बच्चों आज ही जाकर अपने घर में जगह नहीं है तो बाहर हमारी जो गली है सड़क है उसके किनारे वहां की जगह नहीं है तो कोई भी सार्वजनिक स्थान हमारे शहर का गांव का कहीं पार्क है कहीं मंदिर है कहीं तालाब किनारे कहीं नहर किनारे कहीं सड़क किनारे कहीं भी जो सुरक्षित स्थान मिले वहां तो पौधा लगाना है। साथ इस पौधे को हम खुदवा सके अपने परिचय में अपने पौधे का परिचय भी करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद और बता रहा हूँ ज्यादा लोग हो गए ना। देखिए हम लोगों ने इस बार पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह तय किया था कि प्रदेश में लाखों पेड़ यदि लगाने हैं तो इसमें बच्चों का सहयोग बच्चों का सहारा लिया जाए क्योंकि एक पवित्र आत्मा एक बालक वो एक पौधे से प्रेम करता है इतना ही प्रेम करता है जितना अपने आप से प्रेम करता है। हम पौधे के और बालक के आयु को देखते हुए उनमें बहुत अंतर नहीं करते हैं इसलिए एक बालक एक पौधे को जब लगाएगा उसका रोपण तिथि उसको याद रहेगी उसका नाम उसको याद रहेगा और जैसे जैसे इसकी बालक की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे इस पौधे की आयु बढ़ेगी तो पौधे के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा। तो इस अभियान में लगभग 20 लाख पौधे हरियाणा में छठी से लेकर दसवीं तक के जो बालक छात्र छात्राएँ हैं वो सब लगाएंगे चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं चाहे वो सरकारी स्कूल हैं। इसमें स्कूलों के जो अध्यापक हैं वो एक नोडल अधिकारी बन करके इनका सबका सहयोग करेंगे। हर 6 महीने बाद हर पौधे की यदि वो पौधा बचता है सुरक्षित रहता है जीवित रहता है तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 50 रुपये हर बालक को 3 साल तक के लिए दिए जाएंगे ताकि उस पौधे की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। नगर निगम के चुनाव के लिए हमने चुनाव जो हमारे चुनाव व्यवस्था है चुनाव आयुक्त हैं उनको उनसे बात हुई है वो एक टाइम टेबल बना रहे हैं और उस टाइम टेबल के हिसाब से क्योंकि कई जगह वार्डबंदियाँ विशेष हैं वार्डबंदी कम्प्लीट होते ही और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी चुनाव होगा।